नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मोर नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं संदीप मौर्य पेश करता हूं आपके लिए तिरुपति बालाजी पार्ट टू। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं तो इसके अगल बगल स्थित इन 10 मंदिरों में भी दर्शन जरूर करिएगा जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, वरना आपका दर्शन अधूरा ही माना जाएगा। नंबर एक, श्री पद्मावती मंदिर। यह मंदिर तिरुचनूर में स्थित है जो कि तिरुपति से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर विष्णु की पत्नी श्री पद्मावती लक्ष्मी जी को समर्पित है। कहा जाता है कि तिरुमाला की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि इस मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। यहाँ दर्शन सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। शुक्रवार को दर्शन सुबह 8 बजे से शुरू होता है। नंबर दो, श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर। श्री गोविंदराज स्वामी बालाजी के बड़े भाई हैं। यह मंदिर तिरुपति का मुख्य आकर्षण है। इसका गोपुरम बहुत ही भव्य है जो दूर से ही दिखाई देता है। इस मंदिर की स्थापना संत रामानुजाचार्य ने 1130 ईस्वी में की थी। गोविंदराज स्वामी मंदिर में होने वाले उत्सव और कार्यक्रम वेंकटेश्वर मंदिर के समान ही होते हैं। वार्षिक ब्रह्मोत्सव वैशाख मास में मनाया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में संग्रहालय और छोटे छोटे मंदिर हैं जिनमें पार्थसारथी, गोडा देवी आंदल और पुंडरीकावल्ली का मंदिर शामिल है। मंदिर की मुख्य प्रतिमा शयन मूर्ति भगवान की निंद्रालीन अवस्था है। नंबर तीन, श्री कोडंदराम स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुपति के मध्य में स्थित है। यहाँ सीता, राम और लक्ष्मण की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा ने 10वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के ठीक सामने आंजनेय स्वामी का मंदिर है जो कि श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर का ही उप मंदिर है। उगड़ी और श्री रामनवमी का पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर चार, श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर। यह चित्तूर जिले में तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। मंदिर की मूर्ति कपिला मुनि द्वारा स्थापित की गई थी और इसीलिए यहाँ भगवान शिव को कपिलेश्वर के रूप में जाना जाता है। यह तिरुपति का एकमात्र शिव मंदिर है। यह तिरुपति शहर से 3 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर कपिला तीर्थम नामक पवित्र नदी भी है जो सप्तगिरि पहाड़ियों में से होकर बहती है। इसे अलिपिरी तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर श्री वेणुगोपाल और लक्ष्मी नारायण के साथ गौ माता कामधेनु, कपिला गाय का और हनुमान जी का अनुपम मंदिर भी स्थित है। यहाँ महाब्रह्मोत्सव, महाशिवरात्रि, स्कंद षष्ठी और अन्नाभिषेकम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर पाँच, श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुपति से 40 किलोमीटर दूर नारायण वनम में स्थित है। भगवान श्री वेंकटेश्वर और राजा आकाश की पुत्री देवी पद्मावती यहीं पर परिणय सूत्र में बंधे थे। यहाँ मुख्य रूप से श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा होती है। यहाँ 5 उपमंदिर भी हैं, श्री देवी पद्मावती मंदिर, श्री आंडाल मंदिर, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, श्री रंगानायक कुल मंदिर और श्री सीता लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा मुख्य मंदिर से जुड़े 5 अन्य मंदिर भी हैं, श्री पराशरेश्वर स्वामी मंदिर, श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर, श्री शक्ति विनायक स्वामी मंदिर, श्री अगस्थेश्वर स्वामी मंदिर और अवनाछम्मा मंदिर। नंबर 6, श्री वेद नारायण स्वामी मंदिर। नगलपुरम का यह मंदिर तिरुपति से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर सोमकुडु नामक राक्षस का यहीं पर संहार किया था। मुख्य गर्भगृह में विष्णु की मत्स्य रूप में प्रतिमा स्थापित है। इनके दोनों ओर श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान हैं। भगवान द्वारा धारण किया हुआ सुदर्शन चक्र सबसे अधिक आकर्षक लगता है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा श्री कृष्ण देव राय ने करवाया था। यह मंदिर विजयनगर की वास्तुकला के दर्शन कराता है। मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य उत्सव ब्रह्मोत्सव और सूर्य पूजा है। नंबर 7, श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुपति से 58 किलोमीटर दूर कारवेदी नगरम में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान वेणुगोपाल की प्रतिमा स्थापित है। उनके साथ उनकी पत्नियाँ श्री रुक्मणी अम्मवरु और श्री सत्यभामा अम्मवरु की भी प्रतिमा स्थापित है। नंबर 8, श्री प्रसन्ना वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। माना जाता है कि श्री पद्मावती अम्मवर उसे विवाह के पश्चात श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने यहीं अप्पलायगुंटा में श्री सिद्धेश्वर और अन्य शिष्यों को आशीर्वाद दिया था।
अंजनेय स्वामी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवेती नगर के राजाओं ने करवाया था। कहा जाता है कि आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त रोगी अगर यहाँ आकर वासुदेव की प्रतिमा के आगे प्रार्थना करें तो भगवान जरूर सुनते हैं। यहाँ देवी पद्मावती और श्री ऊनदल की मूर्तियाँ भी हैं। नंबर 9, श्री करिया माणिक्य स्वामी मंदिर। इसे श्री पेरुमला स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर तिरुपति से 51 किलोमीटर दूर नीलगिरी में स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर प्रभु महाविष्णु ने मकर को मारकर गजेंद्र नामक हाथी को बचाया था। इस घटना को महाभागवतम में गजेंद्र मोक्षम के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, श्री वराह स्वामी मंदिर। तिरुमाला के उत्तर में स्थित श्री वराह स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर पुष्करणी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वराह स्वामी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि तिरुमाला मूल रूप से आदि वराह क्षेत्र था और वराह स्वामी की अनुमति के बाद ही भगवान वेंकटेश्वर ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया। ब्रह्म पुराण के अनुसार नैवेद्यम सबसे पहले श्री वराह स्वामी को चढ़ाना चाहिए और श्री वेंकटेश्वर मंदिर जाने से पहले यहाँ दर्शन करने चाहिए। अत्रि संहित के अनुसार वराह अवतार की 3 रूपों में पूजा की जाती है, आदि वराह, प्रलय वराह और यजना वराह। तिरुमाला के श्री वराह स्वामी मंदिर में इनके आदि वराह रूप में दर्शन होते हैं। इसी मंदिर के ठीक सामने स्थित है श्री बेदी अंजनेय स्वामी मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है। तो दोस्तों, इन सभी मंदिरों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।